नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबी टेक में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, युवा मंच की तरफ से आज 2 अक्टूबर को बालसन चौराहे पर रोजगार मुद्दे को लेकर के यहां पर सत्याग्रह आंदोलन था। यहां पर आप लोग देख सकते हैं अंगले सिंह को, जो युवा मंच के अध्यक्ष और बहुत सारे प्रतियोगी छात्र यहाँ पर उपस्थित थे। इनकी प्रमुख ये मांग थी कि टीजीटी पीजीटी के तहत जो 70,000 पदों पर पद खाली हैं, उनका विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए। आप लोग जानते हैं टीजीटी पीजीटी 2020 के अंतर्गत करीब 40,000 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन अब कुल मिलाकर के पद जो रह गए 17,000 रह गए हैं। वहीं पर तदर्थ शिक्षकों की बात करें तो वहां पर लगभग 30,000 वहां भी पद खाली हैं। तो जल्द से जल्द भर्ती का विज्ञापन निकाल कर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर जाने को लेकर के यहाँ पर अभ्यर्थियों की तरफ से आज 2 अक्टूबर को बालसन चौराहे पर सत्याग्रह था। आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर अनिल सिंह हैं जो युवा मंच के अध्यक्ष हैं और पूरी पुलिस टीम यहाँ पर तैनात थी आज। ठीक है, अभ्यर्थियों का शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन था, तो आंदोलन शांतिपूर्ण हो गया, लेकिन कोई बड़ी अपडेट निकल के यहाँ पर नहीं आई है। आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था और पूरी तैयारी करके आया था कि अगर आज फिर अभ्यर्थियों ने कुछ बवाल काटा तो यहाँ पर अब लाठीचार्ज किए गए, पूरी तैयारी पर थी। ठीक है, लेकिन ज्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। आज दिन भर इन छात्रों ने अपना धरना प्रदर्शन किया। आगे की अपडेट अभी नहीं मिल पाई है कि आखिर इस आंदोलन में क्या हुआ। मैंने अपने स्तर से जानने की कोशिश करी है, लेकिन अभी तक मुझे अपडेट इसके बारे में नहीं मिल पाया है। ठीक है, जैसा कोई अपडेट आएगा आने वाले वीडियोज में आप लोग दे सकते हैं। पुलिस फोर्स यहाँ पर आप जरूर देख लीजिएगा कैसा यहाँ पर पुलिस फोर्स था, लेकिन उसके बाद भी अभ्यर्थी पीछे नहीं हटे और अपना धरना प्रदर्शन दिन भर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये करते रहे। मैं आगे के वीडियो क्लिप भी दिखाता हूं आपको और इनकी आवाजें भी, क्या क्या इन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाता हूं। देखिए आप लोग, रद्द कर दो, ये खेल नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप सबसे युवा मंच की तरफ से अपील है हमारी, और ये समय में राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार की लड़ाई, प्रदेश में भर्तियों की लड़ाई और तेज होगी। जितना दम है योगी सरकार में वो दमन करके देख ले। हम लोग उस लड़ाई के लिए, हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है, हमारा आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। साथी हैं, सब देख रहे हैं, हम चाहेंगे आप लोग शेयर करिए, तेजी से शेयर करिए। साथी आखिर वैकेंसी दे का है नहीं भाई, वैकेंसी रख के करेंगे क्या? अगर इनके राजकोष में पैसा नहीं तो इस्तीफा दे दें, दूसरी सरकार आएगी, वैकेंसी कराएगी। हमें सरकार से ये मांग करना है, हमको भर्ती ले के रहना है, बस भर्ती दे हमें। हमें और कुछ नहीं चाहिए इनसे, ना कि हमें सरकार व्यक्ति का दुश्मनी नहीं है, हमें भाजपा से कोई दुश्मनी नहीं है, हमको किसी भी सरकार से, हम किसी पार्टी के है नहीं, ना सपा ना बसपा ना कांग्रेस ना भाजपा। हमको तो बस वैकेंसी से मतलब है भाई, हम तो बस युवा हैं और युवा को बस वैकेंसी ही चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। तो ये हमारे जो 4,102 पोस्ट जो 2019 में झांसे दिए थे लोकसभा के चुनाव के लिए, वो उस भर्ती को दोबारा विज्ञापित करें, विज्ञापन दें, भर्ती करवाएं। और जो पोस्ट ये 608 पोस्ट दिए हैं उसका जल्दी से जल्दी एग्जाम करवाएं। इसका एग्जाम आपका अगस्त में होना था, अगस्त में नहीं हुआ, सितंबर में नहीं हुआ, अब अक्टूबर में पता ना होगा कि नहीं होगा। हो सकता है भर्ती ये भी निरस्त हो जाए।